देखो दोस्तों अज संसद मार्च आ जिहड़ा साडा संसद लगनी आ जाके पार्लीमेंट दे पैरेलल पार्टी पार्लीमेंट लगनी आ किसानां दी उहदा अज बारहवां दिन है। पिछले दो दिनों तो लैके अज तीसरा दिन चल रहा है कि एम एस पी ते गलबात चल रही है। एम एस पी दा मेन एजेंडा है और जिहड़ी एम एस पी दा जी गल चल रही है एक बहुत अहम एजेंडा जिहदे लई तीन दिन दिते गए नूं क्योंकि घट्टो घट लोगों नूं पता लगे कि एम एस पी दा नां क्यों है और जो चीज़ा ने बाजार दे विच सब दे नां दे नाल एम आर पी है तो इहदे नाल एम एस पी क्यों, ये अपने आप एक मोहर लाउंदी है कि किसान नूं घट तो घट भा देण दी गल कीती गई है इहदे राहीं। हुण इह सोचण दी गल इह है कि अनाज पैदा करदा इहदा की खर्चे आउंदे आ, इह बिल्कुल इगनोर कीते जांदे आ, बिल्कुल अखो परोखे कीते जांदे आ। इस करके साडा अज देश दा किसान खुदकशियां कर रहा है, इस करके बहुत बड़ियां बड़ियां रिपोर्टां छप चुकियां हैं। एक 38 मुल्कां दी दा संगठन बनिया जिहदा सर्वेखण होया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट च लिखिया है कि 2001 तो लैके 2017 तक देश के किसानों नूं 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा पिया एम एस पी ना मिलने करके, सारिया फसलों के ना मिलने करके। हुण सवाल इस गल दा है कि सारिया फसलों के एम एस पी ना मिलने करके एडा वड्डा घाटा पऊगा जदों किसानों नूं, तां किसान खुदकशी नहीं करेगा तो होर की करेगा। सो मेरा मतलब है किसान की खुदकशी का मेन कारण यह है। नाल अगली गल जाननी बहुत जरूरी है कि जिहड़ी सरकार रोज़ दुहाइयां पिड़दी है कि देखो जी साढ़े कोले कुछ नहीं, बहुत खजाने से बोझ पएगा, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल भरम फैलाया जा रहा है। केवल 1,28,000 करोड़ रुपया होर खर्च करने दे नाल सारिया फसलों की एम एस पी से खरीददारी हो सकती है, लेकिन सरकार वो करने तैयार नहीं। दूजे पासे जेकर वेख्या जाए तो बाहरले मुल्कों तो जिहड़ा तेल लिया जाता खाने वाला, जिहड़ियां दालां लिया जांदियां है, अगर उन्हूं देने है तो 1,70,000 करोड़ रुपये ने जिहड़ी बाहरों लिया जांदियां, अगर वह लैना बंद कर देन देश दे किसानां दा दाणा दाणा चक्या जा सकदा। और सरकार लोगों भरम दे विच रख के भुलेखिया च रख के जान बुझ के लुट करके किसानों की और किसानों की जमीन कारपोरेट लोगों देने की एक नीति नाल एक पॉलिसी दे नाल सारा कुछ कर रही है। सो इहदे लई अज देश दे किसानों का मेन एजेंडा है कि एम एस पी लैनी है। और मैं ये बेनती करा कि 5 साल लगभग 4.5 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं और यह इन्हों का रिकॉर्ड है। इस तो वक्रा हजे वो लोग जिन्होंने जोड़े रिकॉर्ड से नहीं आते वो बड़ी गिनती ने, लगभग 7 लाख 8 लाख किसान खुदकशी करके मर गया और वो सरकार के एजेंडे पर नहीं है। सो ये सारी गल नूं लेके साडी उत्थे चर्चा चल रही है और असी मंग करते हैं कि जिहड़ा घट्टो घट सरकार ने जेकर सही रेट दे नहीं दे सकती तो जिहड़ी स्वामीनाथन की रिपोर्ट खुद पैदा करवाई है, आप इन्होंने वो कमीशन बनाया वह भी लागू नहीं की जा रही और उहदे ते जेकर ध्यान दईए तो वह अगर लागू होंदी है तो 4200 रुपया कणक का रेट बनता किसानों का और जो किसानों का 3200 रुपया प्रति क्विंटल खर्चा आता हो उस वेले किसान 1900 रुपया रेट देना ये अपने आप दे विच क्लीयर है, साफ है कि फसलों की लागत नालों घट रेट दे के किसान दे सिर जान बुझ के करजा चढ़ाया जा रहा है, करजा मरिया जा रहा है। उही करजा जिहड़ा अज किसान की खुदकशी का कारण बनया है, उही करजा जिहड़ा अज किसानों जमीना बेचने लई मजबूर कर रहा है। लड़ाई इस गल की है, घट्टो घट स्वामीनाथन रिपोर्ट सरकार लागू करे जिहड़ा साडे नाल वायदा कीता सी 2004 दे विच। इह गल नूं लैके साडा उत्थे सैशन चलना है, आम लोगों के बीच गल लेके जावांगे।